एमपी में सब कुछ भगवान भरोसे है। छतरपुर में सरकारी समिति संचालक की मनमानी से परेशान ग्रामीणों ने राशन की दुकान लूट ली। लूट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। छतरपुर के अंधियारा गांव में ग्रामीणों ने राशन की दुकान लूट ली। गांव वालों का आरोप है कि समिति का सेल्समैन पिछले 3 महीने से मशीन में थम लगवाने के बाद भी राशन नहीं बांट रहा है, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने दुकान से राशन लूट लिया। इस दौरान उनका सेल्समैन से विवाद भी हुआ, लेकिन गांव वाले नहीं माने। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सेल्समैन ने बिजावर थाने में लूटपाट की शिकायत दर्ज कराई है। कल विक्रेता द्वारा वितरण किया जा रहा था दुकान का, तो मुझे उसने फोन करके बताया कुछ लोगों ने, गाँव के लोगों ने दुकान में लूट कर दी। विक्रेता ने बताया मुझे जानकारी फोन पर दी, तो मैंने उससे कहा कि आप जाके सफाइया कराओ, तो वो आगे उसने आवेदन दिया। आज साहब गए भी हैं जांच करने। छतरपुर में ही एक दूसरे मामले में नगर पालिका की दुकान आवंटित करने के नाम पर संविदा कर्मचारी पर 4 लोगों के 7 लाखों रुपए की ठगी करने का आरोप लगा है। मामला सामने आने के बाद नगर पालिका ने भी कार्रवाई करने के लिए पुलिस को आवेदन दिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी संविदा कर्मचारी पिछले 1 माह से नगर पालिका में नहीं आया है। एक दिन मेरे यहाँ पे अमन करे और उसका भाई गाड़ी से आया, बोले भाई एक काम है तुम्हारे लिए। अमन खड़े हैं नगर पालिका का कर्मचारी, बोले दुकान आवंटन हो रही है नगर पालिका की, यदि तुम्हें लेना है तो तुम ले सकते हो। मैंने भाई क्या कैसे, बोले 16,50,000 रुपये आपको देना है और आपको दुकान मिल जाएगी। तो मैंने ठीक है भाई मैं तैयार हूँ। इसके बाद उसने मेरे को आके किस्तों में पैसा ले लिया, एक बार 3.5 लाख रुपये ले लिया, एक बार 3.5 लाख रुपये ले लिया, और धीरे धीरे करते 11.5 लाख रुपये उसने ले लिए। ये लिए हैं उनने बड़े बाबू, उनका नाम पता नहीं हमें, और मैडम, जिसे मैडम, उनके नाम से उनने पैसे लिए और मेरे को फ़ोन पे भी बात करता रहा कि मैडम ने अभी ये बोला है, बाबूजी ने अभी ये बोला है, तुम्हारा काम चल रहा है, मुझे धीरे धीरे घुमाता रहा। जब मेरे को ये पता लगा कि शायद ये फर्जी भी हो सकता है, तो मैंने जाके आवेदन दिया मैडम को और थाने में उसके नाम का। जब मेरे को पता चला कि ये फर्जी है। 4 लोगों के आवेदन प्राप्त हुए थे जो दुकान का कब्जा लेने के लिए आए थे। जब उस आवेदन को राजस्व शाखा में जांच कराई गई तो पता चला वह दुकान पूर्व से ही किसी और के नाम पर आवंटित थी और पूरी तरह से यह धोखाधड़ी और ठगी का मामला था, जिसके संबंध में उक्त कर्मचारी का FIR के लिए पत्र भेजा गया है और आज उनकी FIR दर्ज हो जाएगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।